गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ। यहां बैठो मेरे पास। गुड मॉर्निंग। अच्छा तो रात में आराम से सोई तुम? बिल्कुल मामूजान। सोना और आमिर नहीं उठे क्या अभी तक? उन्हें भूख नहीं शायद। मैं सोना से मिलते हुए जा रहा हूं, अर्ली मीटिंग है। तुम जरा देख लेना रेहान को किसी चीज की जरूरत हो तो, ठीक है? ओके, समझ गई। जो भी चाहिए हो मैं हाजिर हूं खिदमत के लिए। बेटा मेरा फोन नंबर है ना? खुदा हाफिज। निगार, निगार कहां हो तुम? जी मैम। बर्तन उठा लो यहां से, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। जी बेहतर जावेदा मैम। उसके मासूम चेहरे के पीछे उसका असल शैतानी रूप है। फौरन कोई रास्ता निकालना होगा छुटकारे का, क्योंकि वो तो इज्जत दांव पर लगा कर खेल रही है। कैसे कैसे होगा ये? समझ गया। सब समझ आ गया कि डील क्या है।
महंगा सौदा किया होगा ना, कितने में तय किया बाबा से बताओ मुझे। हाँ हाँ बताओ, शायद मैं भी दे सकता हूँ, क्या हो सकता है उससे ज्यादा भी दे दो। मेरे साथ चलोगी? लेकिन कहाँ? जेमरे मेरी जान, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं तुमसे और तुम्हारी अम्मी से। इतनी ज्यादा शर्मिंदा कि रात भर सो नहीं सकी ठीक से। और मुझे गुस्से ने नहीं सोने दिया। जाहिर है गुस्सा होना भी चाहिए तुम्हें। कुछ अंदाजा भी है आपको मेरी फीलिंग्स का? मैं जानना चाहती हूँ मेरे गुस्से का, मेरी फ्रस्ट्रेशन का। जेमरे मेरी जान, हिकमत ये फैसला कर चुके थे। सच कह रही हूँ तुमसे कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, वरना तो आमिर हर गर्लफ्रेंड के बारे में बताता था। सुनती थी लेकिन मुझे उम्मीद दिखती थी, मगर अपनी वाइफ का बताएगा? देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। दुआ है मेरी। जेमरे मेरी जान, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये तुम जानती हो ना? बिल्कुल मोहब्बत करती हैं आप। तो फिर मेरा यकीन करो बेटा, मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी दौलत है और मैं एक मेड की औलाद को उसे चुराने नहीं दूंगी। अम्मी भी इस मामले से काफी अपसेट हो गई। वैसे उन्हें ऐसे इश्यूज पे बात करना नहीं पसंद। कहने लगी यकीन नहीं आ रहा कि जावेदा ये बात नहीं जानती। जेमरे मेरी जान, अब क्या कहूँ? अम्मी से कहना परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आमिर खुद इस शादी के सख्त खिलाफ है बेटा। अब क्या बताऊँ तुम्हें, वो सुबह से गुस्से में है और इतने गुस्से में है कि बस। जेमरे मेरी जान, एक बात का ख्याल रखना बेटा, आमिर को इन हालात में अकेला मत छोड़ना, बल्कि जितना मुमकिन हो उसके साथ रहो, साये की तरह। हमें मिलकर उस बेचारे को निजात दिलानी है उस कमबख्त लड़की से। समझ रही हो ना मेरी बात? उसे यहाँ टिकने नहीं देना, देखना जल्द दफा होगी। मैं इंसान को एक नजर में देख के पहचान लेती हूँ, बहुत जल्द वो उल्टे पैरों अपने गांव वापस भाग जाएगी, तुम देख लेना, यकीन करो मेरा। ठीक है, साथ रहूंगी आमिर के। मैं ये हुई ना बात, शाबाश। जाहिर है उस गंवार लड़की से आमिर की जान छुड़ाने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे मिलके। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देख लोगी खुद। आमिर आहिस्ता चलाए, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है।
थैंक्स यंजा, सो नाइस ऑफ यू। कोई बात नहीं सर, प्लीज एंजॉय। हिकमत साहब, आप ठीक तो हैं ना? कुछ अपसेट से लग रहे हैं। ठीक हूँ, आई एम ओके थैंक्स। कल रात ठीक से सो नहीं पाया इसलिए शायद। अपना ख्याल रखा करें, आजकल वायरल फ्लू फैला हुआ है। हाँ जानता हूँ मैं। अगर आप कहें तो मैं ठीक हूँ यंजा, फिक्र मत करो। कमाल साहब, क्या आपके लिए कॉफी लाऊं मैं? नहीं शुक्रिया यंजा। कैसे हो कमाल? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैंने सुना है क्या सच है? क्या सुना है? आमिर और रेयान। हाँ शादी हो रही है उनकी। मगर वो तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। वक्त के साथ जान लेंगे, मोहब्बत भी हो जाएगी। भाई कुछ अजीब सा लग रहा है इस तरह से रिश्ता करना। मेरे ख्याल से आप फिर सोच लें। कमाल तुम तो जानते ही हो, आमिर जब से वापस आया सिवाय आवारागर्दी के कुछ नहीं कर रहा। मैंने उससे कितनी बार बात की, एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है। काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं उसका, बस रेसिंग का जुनून लगा हुआ है। मैं उसकी जान खतरे में नहीं देख सकता। इतने एक्सीडेंट हो गए उसके के कोई शुमार ही नहीं, शायद उसे भी गिनती याद नहीं होगी। रही जाविदा की बात, उसकी ख्वाहिशें आरजूएं जिंदगी का मकसद। यार तुम्हें जाविदा के बारे में बताकर और बोर करूंगा क्या? सोना का भी तुम्हें सब पता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि सांसें रुकने से पहले ही सारी फैमिली सेट हो जाए, ताकि मेरे बाद कोई अफरा तफरी पैदा ना हो। रेहान एक मजबूत लड़की है, इस फैमिली को ऐसी बहू चाहिए। मगर रेहान का भी तो सोचे भाई, जिससे मोहब्बत ही नहीं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार दे। मोहब्बत भी हो जाएगी, एक रोज दोनों को हो जाएगी मोहब्बत। रफ्तार कम कर दे आप, क्यों चला रहे इतनी तेज आखिर? दोनों के फायदे का काम है, जिस पर एक रोज तुम एहसान मानोगे मेरा। ये सादिक साहब है। सलाम। इसमें जो रकम है तुम्हारे साल भर के अखराजात के लिए काफी होगी, और हाँ अगर खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। ये रखो और ऐश से जिंदगी जियो जाकर, अब हम कभी नहीं मिलेंगे ठीक है? डैड को बता दूंगा कि तुम चली गई, क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी और उनके गुस्से को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। सादिक साहब तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब कभी मेरे सामने मत आना, मेरी नजरों से दूर रहना हमेशा।
कॉफी मैम? कहाँ है वो? जी कौन जावेदा मैम? वही मेट की औलाद रेयान। जावेदा मैम सुबह से वो आमिर साहब के साथ बाहर गई हुई है। क्या? मगर वो आमिर के साथ क्यों गई है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। हेलो, तुम हो कहाँ बेटा? मुझे पता चला तुम उस लड़की को सुबह अपने साथ लेकर निकले हो। रियान चली गई माँ। कहाँ चली गई? वापस अपने गांव, हमेशा हमेशा के लिए। जो चाहती थी दे दिया, वो लेकर चली गई। ओके मॉम, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ कॉल। टेक केयर। अच्छा ऐसा है, चली गई। बाबा को क्या बताओगे? जो हुआ है वही जो डैड की आंखों से ओझल था। बताऊंगा कि दरअसल वो पैसों के चक्कर में ही आई थी, उसे पैसों का लालच दिया और वो चली गई यहां से। आमिर कहाँ खो गए? बहुत थका हुआ हूँ जैमरे, बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई कल से, रात भर जागता रहा हूँ मैं। लगता है अब सोऊंगा तो कई दिनों तक उठ नहीं पाऊंगा मैं। सो नहीं सके वो तो ठीक है, लग तो ऐसा रहा है कि जैसे उसके जाने से उदास हो गए हो। कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो? भला बताओ, मेरी फ्रेंड ऐसा कह रही है मुझसे। आज मैंने कीमत देकर अपनी आजादी खरीदी है जैमरे, बेइंतहा खुश हूं मैं। ये तो एक मजाक था, यानी इतना सीरियस जवाब देने बैठ गए। जैमरे, आज तुम उसे मिले बगैर ही यहाँ आ गई, हम कॉफी ही पी लेते। देर नहीं हुई ज्यादा, तो क्यों ना अभी हम पी लें कॉफी। हाँ ठीक है। ये फाइल्स जो आपने मंगवाई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो कॉफी पीने जा रही हूँ, तुम वैसे भी बिजी लग रहे हो, तंग नहीं करना चाहती। ओके, शाम को मिल रहे हैं ना कहीं? हाँ देखता हूँ, कॉल करूंगा तुम्हें। सेलिब्रेशन तो बनती है ना? अच्छा तो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुशामदीद कमाल साहब, ये ख्वातीन आई हैं बेबी सिटर के इंटरव्यू के लिए।
आपकी आमद का शुक्रिया, हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच सर। इसे क्यों नहीं रखा आपने? इतनी ज़हीन और तालीम याफ्ता, बोल कितने प्यार से रही थी वो। हमें आया रखनी है, कोई फैशन मॉडल नहीं, आईने में खुद को देखने से ही फुर्सत नहीं से तो। कैसे हैं आप पापा? ठीक हूं, तुम? ठीक हूं मैं भी। हमारा लाइसेंस अप्रूव हो गया था इसलिए मंगवा लिया मैंने। सुबह ही मैंने किसी को सिटी हॉल भेज दिया था। आप पेपर्स पढ़कर साइन कर दें तो काम शुरू करवा देता हूं। काफी तेज काम किया तुमने, मगर प्रोसीजर अपना वक्त जरूर लेता है। चलो आ जाओ मेरे रूम में बैठ के आगे की प्लानिंग करते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी कॉफी भी वहीं मंगवा लूंगा मैं। ठीक है, चलिए आइए। सुनिए, आइए मेरे साथ। वो सामने सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाना है, चलिए। बैठिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेता हूं। साहब अभी पढ़ रही है? जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज की स्टूडेंट हूँ मैं, मगर काम भी करती रही थी, साथ साथ एक्सपीरियंस है मुझे। और इस सेमेस्टर में ज्यादा टाइम निकालूंगी वर्किंग के लिए, बिकॉज मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो आपने जरूर रख लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं। अब क्या मसला हो गया? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसे भी मना कर दिया आपने क्या? ना पहली वाली की तरह इतनी मॉडर्न, दूसरी वाली से ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। बबल गम चिपका गई कॉफी टेबल के नीचे। फोन तो मुसलसल बजे जा रहा था उसका, मिशाल को देखने के बजाय फोन में लगी रह गई है। सच में तंग आ गई हूँ। तो अब आप करेंगे क्या, बताएंगे मुझे? इनमें से कोई भी बेबी सिटर एक आंख नहीं भाई आपको। कुछ नहीं, मैं खुद देखभाल करूंगा अपनी बेटी की। कैसे हो बेटा? जबरदस्त माँ। अच्छा, अब आओ, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे, जल्दी से बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ सब? देखे माँ, अगर आप शादी के मसले की बात कर रही हैं तो समझे वो खत्म हो गया। बार बार उस मसले पर बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें, यूं समझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सही कह रहे हो, बिल्कुल, उससे निजात मिल गई, बस यही चाहिए था हमें। वाकई डिटेल में जाने से क्या फायदा होगा, बाद में कभी बता देना अगर दिल चाहे। चलो ठीक है। आमिर, तुम्हारे बाबा खामोश नहीं बैठेंगे, कोई और लड़की ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए, तुम देख लेना। खुद क्यों नहीं पसंद कर लेते किसी को? मगर क्यों मॉम? देखो, तुम्हारे बाबा को लगता है तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम ठीक हो जाओगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते बेटा कि खुद कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके शादी कर लो तुम? इस तरह उस गाँव वाली लड़की का मामला खत्म हो जाएगा। मॉम प्लीज, ख्वामखा जज्बाती ना हो, मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी है, बस किसी से भी नहीं।
समझ गई, बहुत थक गया हूँ मॉम, कुछ देर रेस्ट करना है मुझे। ठीक है जाओ आराम करो मेरा बच्चा। तुम्हें बहुत टेंशन रही होगी ना, जाहिर है। इसका मतलब है कि वो यहां से गई ही नहीं, इसलिए वो पैसे यहां रख गई है। हो सकता है कि चली भी गई हो, शायद पैसे नहीं चाहिए होंगे इसलिए सादिक साहब के हाथ वापस भिजवा दिए। बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं, यहां बाहर क्यों खड़ी हो लॉन में? काफी खुनकी है, ऐसा ना हो ठंड लग जाए। मैं मेट से कह देता हूं, वो गर्मा गर्म कॉफी ले आएगी तुम्हारे लिए। ठीक हूं मैं, बस जरा ताजा हवा के लिए बाहर आई थी। आज का दिन कैसा गुजरा, क्या किया दिन भर? सब ठीक हो जाएगा बेटा इंशाल्लाह। देख लिया तुमने, नहीं गई वो। मैं खुश हूं यहां। अगर तुम खुश हो यहां पर तो मैं भी बहुत खुश हूं। हाँ, ये लड़की कहीं नहीं अभी तक जी है। डैड, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप डैड। कोई शादी वादी नहीं करनी अभी मुझे, खास तौर पे ऐसी लड़की से तो हरगिज नहीं जिसे ना जानता हूं ना ही जिसे मोहब्बत है मुझे। करनी तो होगी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हैं डैड, मुझसे पूछे बगैर, मेरी पसंद नापसंद जाने बगैर? ये मैं तुम्हारी बेहतरी में खुद समझ सकता हूँ, आप जहमत ना करें सोचने समझने की। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं आपको डैड, नहीं करनी शादी। शादी तो करनी होगी, मैं आपकी डिक्टेशन पर नहीं चल सकता डैड, अपनी आजादी की कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगा मैं। अगर शादी नहीं करनी तो इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से बाहर, बहुत रह ली आजादी से इस घर में, अब पहनो जिम्मेदारी की जंजीर। आज तक हमेशा आपने वही किया जो आपने सही समझा डैड, जिंदगी भर अपने ही फैसले हम पर थोपते रहे हैं आप, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, हरगिज ऐसा नहीं होगा डैड। जिद छोड़ दें, अगर अब भी नहीं छोड़ेंगे तो आप बहुत जल्द हम सबको खो देंगे। अगर यहाँ कोई जिद करता रहा है तो वो तुम हो, मैं तो तुम्हारी गलतियों को ठीक कर रहा हूं, चाहता हूं बिना दुख उठाए तुम बदल जाओ, एक दिन समझ आ जाएंगी मेरी बातें तुम्हें। बेटा बैठ जाओ, बात कर लेते हैं हम। मॉम इस वक्त नहीं। एक मेट की औलाद गवार लड़की ने दो दिन में हमारी फैमिली को तबाह करके रख दिया। एक मत
पता है ये भी तुम्हारी तरह सिंगल है, बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे खासे पैसे वाला भी है। हाँ लग तो रहा है। तुम्हारी ये डॉल बहुत प्यारी है। मेरे पास ऐसी दो डॉल्स हैं। कल मेरा बर्थडे है, मम्मी ने कहा है एक और डॉल दिलाऊंगी। बेटा चलो घर चलें। नहीं मुझे कुछ और देर झूले झूले। ऑलराइट मेरी जान, आई होप बच्ची ने परेशान नहीं किया होगा आपको। इस एज में बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? नहीं, क्यूट बच्ची है माशाल्लाह। आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है। मेरा नाम यूसुन है। कमाल। आप इस पार्क में रोज आते हैं? नहीं तो कभी कभार। अगर यहां कोई जिद करता रहा है तो वो तुम हो। मैं तो तुम्हारी गलतियों को ठीक कर रहा हूं। चाहता हूं बिना दुख उठाए तुम बदल जाओ। एक दिन समझ आ जाएंगी मेरी बातें तुम्हें। हेलो। हाँ आ रहा हूँ, टिकट ले लिया है। जबरदस्त, बहुत आला। ठीक नहीं लग रहे तुम, क्या मसला हुआ है? आमिर हुआ क्या है ये बताओ मुझे। कहा आर्किटेक्चर पढ़ो, पढ़ लिया। फिर कहा छोड़ दो मास्टर कर लो, कर लिया। उसके बाद उनका हुक्म आया कि उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं और मैंने उनका ये हुक्म भी मान लिया। तुम तो सब जानते हो जफर। ओके समझ गया मैं, फिर से बाबा के साथ लड़ाई हुई है। यार इस दफा बात हद से ज्यादा बढ़ गई है जफर। ये मेरी जिंदगी है, मेरी, उनकी नहीं। फिर से वही शादी का मसला ना जफर। मैं कोई, देखो ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूं जिसे मैं बिल्कुल भी जानता तक नहीं हूं। सीरियस मसला है यार जफर। बात सुनो, एक काम करो, तुम अभी यहां आने का टिकट कैंसिल करवा दो और पुर्तगाल का टिकट करवाओ। मैं भी वहीं आ जाता हूं, वहीं मिलकर बात करते हैं फिर। बको मत यार, शादी से भागने के लिए तुम फॉरेन कंट्री चले जाओ। हाँ सही कह रहे हो, ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा यार। मेरी जिंदगी में क्यों किसी का फैसला मानूं? क्यों, किस लिए? आमिर तुम्हें बाबा की बात मान लेनी चाहिए। आपको पहले देखा नहीं कभी, मतलब कभी एक बार भी देखा होता तो याद होता। आ, ये बच्ची गिर गई, मैं तो दूर थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। विशाल बेबी क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो तुम? तुम्हें चोट लगी है क्या? आ जाओ। विशाल कुछ तो कहो मेरी जान, आखिर कुछ तो कहो। तुम हंसो, रो, चीखो, कोई तो इमोशन दो। सिर्फ एक बार कोई एक हल्की सी ही मुस्कुराहट आ जाए तुम्हारे चेहरे पर। खुश आमदीद आमिर साहब। मेरी जान आमिर, क्या हुआ, सब खैरियत है? बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कोई सीरियस ही मसला हुआ है। लोग समझते हैं अमीरों की जिंदगी में मसले ही नहीं होते, पर यहाँ तो बहुत ही मसले हैं।
आपका हुक्म सर आंखों पर डैड, कबूल है मुझे, कर दें उससे शादी। शाबाश बेटा, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। पूछेंगे नहीं अचानक फैसला क्यों बदला मैंने? कोई जरूरत नहीं, असल बात यह है कि बिलाखिर दुरुस्त फैसले पर पहुंचे। दुरुस्त फैसला, काफी कॉन्फिडेंट हैं आप। खैर के काम में देर नहीं होनी चाहिए, जितना जल्द हो सके शादी हो जानी चाहिए। जितना जल्दी हो सके, तो ठीक है, जितना जल्दी हो सके। जबरदस्त, गुड बॉय। कल कैसा रहेगा? कल ही कर लेते हैं डैड। खुदा जाने अंदर क्या बातें हो रही हैं। कितनी खामोशी है अंदर। आह, क्या हो गया मुझे भी? अब अपने ही घर में छुप छुप के बातें सुन रही हूं मैं, ये सब उस लड़की की वजह से। आओ ड्राइंग रूम में आ जाओ जाविदा, इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सोना और रेहान को भी बुलवा लो। आमिर मेरी जान। बस उधर आ जाए मामा।